लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर विरोधी दलों द्वारा राजनीति भी खूब की जा रही है, लेकिन मसले का हल अभी तक निकलता नहीं दिख रहा। सभी दलों के नेताओं द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है और ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पंजाब कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी, जो पठानकोट के स्वामी जगतगिरी महाराज के आश्रम में नतमस्तक होकर पहुंचे, उन्होंने किसानों द्वारा केंद्र आमंत्रण पत्र को ठुकराने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई बार केंद्र द्वारा किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन केंद्र द्वारा हल नहीं निकाला जा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि ये कानून किसानों के हित में है, इससे किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन अगर किसान नहीं चाहते कि आय दुगनी करनी है तो क्यों ना इन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। देखो, उन्होंने पहले भी बहुत बार किसानों नु बुला के उत्थे, लेकिन उन्हें गलबात का कोई मतलब नहीं निकलिया। सो इस करके किसानों के मन च भी क्रोध है, गुस्सा है, नाराजगी है सरकार के प्रति कि हर वारी बुला के तुसी उन्होंने वापस भेज देंगे हो, लेकिन करते कुछ नहीं हो। सो इस करके उन्होंने ये जरा सदा उन्होंने ठुकराया कि या तो तुसी कुछ ठोस काम करो। हम किसानों की मंग की है, सिर्फ इन्नी मंग है कि MSP नू कंटिन्यू किया जाए और जड़ी अशोर्ड जड़ी लिफ्टिंग है मंडिया की, वो उन्होंने अनाज की वो होनी चाहिए है। सो ये वो चीज़ अपने कानून के शामिल करने तैयार नहीं है। सो इस करके लोग किसान उत्थे बैठे, एक महीना हो गया इन्नी ठंड के उत्थे बैठे ने। पर मैडम, सेंटर गवर्नमेंट कह रही है कि आप अमेंडमेंट करने तैयार हाँ, पर किसान जो यस नू तो अगे नहीं आ रहे। नहीं, ऐसी गल नहीं है। अमेंडमेंट अगर कोई उन्होंने कोल बैठा नहीं है तो कोई गल निकलेगी ना। हजे वो अपनी जगह ठीक ने किसान, क्योंकि ये तो वैसे ही पंजाब मारू नीति है उन्होंने। जे पंजाब दे विच MSP खत्म हो जाए, गवर्नमेंट की लिफ्टिंग खत्म हो जाए, तो फिर पंजाब तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जे जड़े किसानों के वास्ते वो बना रहे हैं कानून, जब किसान ही उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करते कि वह कहें कि सानू दुगनी सानू अपनी नहीं चाहिए अपनी कीमत, सानू पहली वाली कीमत ही मंजूर है, तो फिर सरकार को की दिक्कत है? उन्होंने मान जाना चाहिए जिन्होंने वास्ते कानून बनाए उन्होंने गल तो सुनो। सो